ग्राम पंचायत गौरीपुष्ट इटमा में नदी की घटना। आज मौका है वारदात पर समाजसेवी सुनीति अश्वाल व समस्त ग्रामवासियों ने अपने ग्राम गौहरी में दारू बेचने से इनकार किया। तभी टिकोरिया निवासी रामजी सिंह उनके बेटे दादू ठाकुर व एक नाबालिग लड़की को लेकर दारू बेचने का काम करवा रहे थे। मना करने पर गाँव वालों को जान से मारने की धमकी देते हैं। दारू बेचते हो? हाँ तो? वो लड़ना नाबालिग लड़के से दारू बेचवाते हो? उतार रहे। हाँ उतार दे रे, उतार दे माल, अभी ना बात है, उतार दे माल। हाँ तो जब गांव में तुम दारू बेचवाते हो? उतार दे, उतार दे, उतार दे। नहीं, उतार दे। दारू बेचवाते हो ना? ले। हाँ ठीक है, बेचवाओ। तुम जब आज गुंडाई दिखाते हो ना, गाड़ी नंबर कितना है? गैर गाड़ी नंबर भी ना, गाड़ी नंबर की है। दारू तुम यहाँ बेचवाने आते हो गांव में मेरे? तुम क्यों छोटू पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? कितना मिलता है तुमको, कितना मिलता है तुमको? इधर देखो। चल चलाओ। ए अच्छा। बॉम्बे या बॉम्बे? बना वीडियो। हाँ। बना। चल। यहाँ दारू बिकवाने आते हो तुम? रखा है। यहाँ दारू बिकवाने आते हो? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? दारू बिकवाने आते हो? दारू बिकवाने आते हो तुम यहाँ? गाड़ी अंदर गए, गाड़ी की नंबर अपने घर में क्या घुस रहा है? दारू बेच लेते हो क्या तुम इनसे? है दारू लेते हो? है यहाँ दारू बेच बात ना, दारू बेचते हो तुम? क्यों बैठा रहे हो? कुर्सी क्यों दे रहे हो भाई? इनको कुर्सी क्यों दे रहे हो बैठाने के लिए? इनको बैठा क्यों रहे? जानते हो इनको? आप बोलोगे? नहीं, ये बच्चे के लेके तुम दारू बनवा बेचवाते इससे? रुक जा भाई, बिचवाते हो ना? दारू बिचवाते हो? दारू बेचते हो छोटू? तुम क्या करते हो? अच्छा, पढ़ाई लिखाई करने के दिन है तुम्हारे? हैं? पर क्या आती है? दारू नहीं बेचता तो 34 ठू लगवाते हो जबरदस्ती किसी के ऊपर? अगर कोई नहीं बेचता तो उसके ऊपर जबरदस्ती 34 रखवाते हो तुम, है ना? बनाओ, हम भी बना लाए ये गाड़ी खड़ी।